हेलो एवरीवन। तो अभी नीट होने में अब ज़्यादा कुछ दिन बचा नहीं है। आपने अभी तक कितना भी मेहनत किया हो, कितनी पढ़ाई किया हो, अच्छे तरीके से अगर आपने बचे हुए टाइम में फिनिश नहीं किया तो वो आपके स्कोर कार्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि कैसे पूरा सिलेबस तो कवर करना मुश्किल होगा अभी से एक एक चैप्टर, तो पूरा सिलेबस को कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, कैसे हर एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को बचे हुए 10 दिन में कैसे सबको क्लियर करते जाएं और रिवाइज भी अच्छे से करते जाएं, ये सारी चीज़ों का बहुत एक स्मार्ट तरीका हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और भी बात करेंगे कि लास्ट में क्या ज़रूरी है, कैसे स्मार्ट पढ़ना है आपको, किन चीज़ों, बहुत सारे इतने सारे सिलेबस हैं उसमें से कैसे आपको लिमिटेड चीज़ों पे ही मेहनत करना है, ये सब हम बात करेंगे आगे। देखो, हम समझ सकते हैं 10 दिन के लगभग बच रहे हैं अभी से टाइम, और मतलब इस टाइम पे कितना ज़्यादा प्रेशर, नर्वसनेस, बहुत सारा एंजाइटी, डर, अजीब अजीब ख्याल मन में आते रहते हैं। जब पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो लगता है सारा पुराना कुछ भी याद नहीं है, सारा भूल गए हैं। और अगर रियलिटी की बात करें तो सभी को इस फेज से गुजरना होता है एग्ज़ाम के टाइम में, सभी, चाहे मेरा लास्ट ईयर आप देख लो या कोई भी स्टूडेंट जिसने नीट क्वालिफाई किया, सबके साथ ये दिक्कत होता है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स करें, इन सब चीज़ों की चिंता ना करें। तो देखो, करना क्या है, ये सब तो प्रॉब्लम्स थे, इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अभी बचे हुए 10 दिन में कैसे पूरे सिलेबस को फाइनल टच दे सकते हैं, कैसे पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, क्या मतलब एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्या एक एक चैप्टर को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है नीट से पहले, ये सारी बातों का हम बहुत सिंपल सा छोटी सी चीज़ में हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखो, मुश्किल से अभी 10 दिन है और 10 दिन में आपको पूरा सिलेबस का हर एक चैप्टर, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हर एक का एक एक चैप्टर तो रिवाइज करना मुश्किल ही है, मतलब नहीं हो पाएगा, वो प्रैक्टिकल बात है, नहीं हो पाएगा। और अगर आप ऐसे सोचते हो कि नहीं, हम एक एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं अभी 10 दिन में, बहुत लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि लास्ट के 15 दिन में, 20 दिन में अपना एक टारगेट बनाते हैं कि हमें हर रोज 4 चैप्टर, 5 चैप्टर जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, एक बार देख के गुजरना है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि ये चीज़ ना करें। ये हो सकता है बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, जो बहुत ज़्यादा टॉपर्स होते हैं वो एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है उनके लिए वो फ्रूटफुल हो, उनसे कुछ गेन हो। लेकिन हम एवरेज स्टूडेंट्स को ना, अगर ऐसी स्ट्रेटजी अगर लास्ट के टाइम में रखते हैं और जल्दी जल्दी हर चैप्टर को देखने का कोशिश करते हैं तो हमारे लिए वह बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास चैप्टर बहुत सारे होंगे और जब हम रिवीजन करने बैठेंगे ना तो कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं आएंगी, तो उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होगा, हमें लगेगा कि पूरा चैप्टर ही नहीं पता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, अब तो पढ़ने का टाइम भी नहीं बचा, आप कैसे रिवाइज करें। तो आपका वहाँ ओवरऑल कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आप नहीं होगा। तो इसका इलाज क्या है, इसको कैसे मतलब रिवाइज नहीं भी करें, तो रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है नीट के लिए, तो बिना रिवीजन कैसे होगा। तो हम सिंपल सा तरीका हमेशा बताते हैं और अभी वही बता रहे हैं। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, जो आपके मॉक टेस्ट हो, फुल सिलेबस टेस्ट हो, लास्ट के महीने में और लास्ट के टाइम में, आखिरी दिनों में आपका टेस्ट ही आपका नीट का स्कोर बढ़ाएगा। तो वही बात, जब आपको जब भी लगे कि हमें पूरा रिवीजन करना है, पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है, वो सबसे बेस्ट और इजिएस्ट तरीका है, आप डेली अभी अभी कम से कम डेली 1 या 2 टेस्ट डेली दें, 2 नहीं तो, अगर 2 नहीं आप मैनेज कर पा रहे तो एक एक टेस्ट आपको हर रोज देना है, अभी से कम 8-9 दिन हर रोज एक टेस्ट जरूर दें। देखो, टेस्ट क्यों लगाने और उससे क्या आखिरी टाइम में तो हमें रिवाइज करना चाहिए, टेस्ट क्यों आप बता रहे हो। देखो, रिवाइज करेंगे अगर कोई टॉपिक हम रिवीजन करके लेकर बैठते हैं तो उसको रिवाइज करने में 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम लगेगा, क्या उससे मतलब ये ज़रूरी है कि उस टॉपिक से वो क्वेश्चन आ जाए। तो अभी अगर इतने सारे टॉपिक हैं, आप कितने टॉपिक को रिवाइज कर पाओगे, और वो ज़रूरी नहीं है कि जो रिवाइज करोगे उसमें से क्वेश्चन आ ही जाए, तो वो हो सकता है वो टाइम ख़राब हो जाए। तो अभी कम टाइम में ज़्यादा हमारा गेन हो उसके लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। कैसे, आपके पास 3 घंटे हैं, आप 3 घंटे का टाइमर लगाओ, वही 2 से 5 वाला स्लॉट में बैठो, आपको आदत भी बनाना है कि नीट में वो 2 से 5 में आपका माइंड एक्टिव रहे, इसके लिए 2 से 5 में आप टेस्ट लगाओ। और उसमें ये सबसे बड़ा रिवीजन का बेस्ट तरीका इसलिए भी है क्योंकि आपको, सोचो, आपको 3 घंटे में पूरा फुल सिलेबस का उसमें क्वेश्चन होगा, तो आपका मात्र 3 घंटे में पूरा सिलेबस का एक बार ओवरव्यू होने वाला है।
और बाकी ये जरूरी, बिल्कुल ये और जरूरी होता है कि वो टेस्ट देने के बाद आपको उसको रिव्यू करे, ओवरव्यू करे, जो गलत हुआ है उसको एक एक क्वेश्चन को वहां से अपने अनुसार उसको सोल्व करके ही आगे बढ़े। तो मान लेते हैं कि 2 घंटा और लग जाए आपको पेपर रिव्यू करने में, 3 घंटा टेस्ट और 2 घंटा आपको खुद को टाइम देना है उस पेपर में, तो 5 घंटा में आपका सिलेबस एक बार पूरा ओवरव्यू खत्म हो रहा है, यानी एक तरह से पूरा रिवीजन हो रहा है 5 घंटे में। और ऐसा आपको सिर्फ एक दिन नहीं, आप सोचो अगर 7-8 दिन अभी से रोज करोगे तो हर टॉपिक के नए नए सवाल होंगे। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, आप टेस्ट में भी तो एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या पता वो नीट में आए या ना आए। तो एक टेस्ट थोड़ी देना है, आप 7-8 दोगे अभी से तो हर टेस्ट में नए सवाल होंगे, नए टॉपिक से सवाल होंगे, अलग अलग जगह से सवाल होंगे, तो हर अलग अलग जगह से आपका रिवीजन होगा। ओवरऑल रोज आपका फुल सिलेबस का 5 घंटे में एक बार रिवीजन हो जाएगा। ऐसा सिर्फ एक टेस्ट देने से हम बता रहे हैं, आप अगर दो देते हो तो और बढ़िया है, लेकिन वो ज़्यादा, थोड़ा उसमें ज़्यादा रस हो जाएगा। हम तो मतलब, हम मेरी बात करें तो हम एक ही टेस्ट हर रोज दिया करते थे लास्ट के टाइम में भी, तो एक भी दें लेकिन उसको बहुत अच्छे से ओवरव्यू करें, उसमें जो आपको दिक्कत आए उसको क्लियर करते चलें, जो वीक पॉइंट लगे उसको नोट्स से पढ़ते चलें। मतलब इससे क्या होगा कि आपके वीक टॉपिक्स भी एक्सपोज होते जाएंगे, मतलब आप तो रिवीजन में पता नहीं चलेगा कि क्या मेरा स्ट्रांग है क्या वीक है, आप पढ़ते जाओगे, लेकिन टेस्ट से आपको कहाँ पे ज़्यादा गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, उसका चैप्टर्स को एक बार खोल के पढ़ना है, तो ऐसे आपका वीक चैप्टर्स एक्सपोज होंगे और वो बिल्कुल आप उसको इरेडिकेट भी कर दोगे, खुद से पढ़ लोगे। आपके पास जो अभी शॉर्ट नोट्स हैं जो आपने बनाया है वो आप देख लो इस टाइम पे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के नोट्स आप पढ़ सकते हो उसको बार बार, जितना बार, लास्ट में भी कम से कम अभी एक आध बार और आप उसको सारी पेजेस को, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे चैप्टर नहीं, जो क्वेश्चन आते हैं या जो बन जाएगा आपके एग्जाम में वो आप रिवाइज नहीं करना चाहिए आपको। आप जो इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, केमिकल बॉन्डिंग है, ये सब के नोट्स को आप कोशिश करें कि एग्जाम से जाने से पहले एक बार फिर से पूरा उसके नोट्स को पलट लें। देखो यही तरीका था जिसके वजह से मेरे मार्क्स लास्ट के टाइम में बहुत ऊपर बूस्ट हुआ था। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट के टाइम में आपको क्या फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, आपको क्या बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना है, कैसे कम, मतलब लास्ट में आपको फाइनल टच देना होता है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के बहुत लिमिटेड वे में स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। तो वही सब हम सोच रहे हैं कि आप वो चीज़ फालतू की चीज़ों में ना फंसो, तो हम इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें अपने तरीके से जो हमने किया था, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदा यूजफुल भी हुआ, वो सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बात करते हैं आगे और वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें जो लास्ट टाइम में हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, या फिर क्या क्या तरीके डेली बेसिस पे किस तरह से पढ़ाई करना है वो भी हम बताएंगे। अभी 2-4 वीडियो में हम कोशिश करेंगे लास्ट के सारे एक्सपीरियंस हम आपके सामने रख दें, और जिससे आपको बहुत बड़ा बूस्ट मिले, कॉन्फिडेंस अप हो। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू एवरीवन।